Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2 start करेंगे. Chapter number 2 exercise 2.1 आज हम start करेंगे. Exercise 2.1 में हमारे पास क्या है rational numbers. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं rational numbers होते क्या हैं. Rational numbers की थोड़ी बहुत जो है identification हमने previous class में पढ़ी थी, लेकिन as a rational number उसको हमने study नहीं किया था. हमने नेचुरल नंबर पढ़े जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर होल नंबर पढ़े जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर इंटीजर्स पढ़े जिसमें होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, उनके साथ नेगेटिव नंबर्स भी, माइनस के साइन वाले नंबर्स भी आ जाते हैं. अब हमारे पास आ गए आज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. सबसे पहली चीज, सेकंड, रैशनल नंबर्स जब दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, किस में चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है. और जब वो वैल्यू फ्रैक्शन बन जाती है तो क्या कहलाती है, हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाती है. रैशनल नंबर में वैल्यूज फ्रैक्शन की सूरत में भी होती है और फ्रैक्शन की सूरत में समटाइम्स नहीं भी होती, लेकिन आंसर पॉइंट्स में नहीं आते, आंसर अंडर रूट की कंडीशंस में नहीं होते. अब इस एक्सरसाइज में हम क्या एक्टिविटी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. एक तो जो रैशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें. लास्ट वर्किंग डेज में हमने नंबर लाइन पे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, उनका एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा. अब जो है हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी आज स्टडी करेंगे. उसके बाद रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये दो चीजें आज हमारे पास. स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. पांच पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. हमने फ्रैक्शंस की टाइप्स स्टडी की हुई थी. ये जो कॉमन फ्रैक्शन है उसमें एक हमने इस टाइप उसकी स्टडी की थी, प्रॉपर फ्रैक्शन एक स्टडी की थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं जिसमें वैल्यूज जो है उसमें न्यूमिरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है. प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका आंसर है जीरो और वन के दरमियान में रहता है, किसमें रहता है, जीरो और वन के दरमियान में. ये बात खसूसी तौर पर जहन में रखिएगा, हर वक्त काम आने वाली चीज. सेकेंड थिंग आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. कंपाउंड फ्रैक्शन को बनाना और कंपाउंड फ्रैक्शन को खत्म करना, दोनों चीजें हमने बहुत ही तफसील से प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हुई है. अब कंपाउंड फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो दो हिस्से बन जाते हैं, एक तो उसका होल पार्ट बन जाता है, दूसरा उसका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट बन जाता है. होल पार्ट तक आप नंबर को ले जाते हैं और उसके बाद उसके पार्ट्स करके उसको लिख देते हैं. बेसिकली हमारे पास यही दो टाइप्स हैं जो इसमें कंपाउंड फ्रैक्शन, जिसको हम कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, वो लिंक करती है किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, 3/4. अब पहले तो एनालाइज करेंगे ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. जी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. एक वैल्यू है उसके कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स हैं, चार में से तीन पार्ट्स हम यूज कर लेते हैं. तीन पार्ट्स कहां पे आते हैं, जीरो को इटसेल्फ कुछ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ये 1, 2, 3 यहां तक चार पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स इस्तेमाल कर लिए, कितने पार्ट्स में से, चार में से. ठीक क्या हो गया, नंबर रिप्रेजेंट हो गया, किस पे नंबर लगेगा, पार्ट 2 पे आते हैं, 10 ओवर से. मैंने आपको कहा कि आसानी के लिए हम इसको किस पे चेंज करेंगे, सबसे पहले स्टेप में कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दूं. फ्रैक्शन कौन सी थी, इंप्रॉपर फ्रैक्शन थी. इंप्रॉपर फ्रैक्शन में रिजल्ट आपसे आपका जो है 1 से बड़ा आता है. अब डिवाइड किया, 3 3 9, क्या रिमाइंडर हुआ, 1 रिमाइंडर हुआ. इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 कंपाउंड 1 ओवर 3, तीन डिजिट तक तो एज इट इज आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 के बाद 3 पार्ट्स उसके बना लेंगे 4 तक, 1 2 3. अब 3 कंपाउंड 1 ओवर 3 कहां पे आएगा, इस जगह पे 1 ओवर 3 आ जाएगा. 3 कंपाउंड 1 ओवर 3, 3 तो काउंट नहीं हुआ, 3 के बाद 1 2 और 4 तक हमने कितने पार्ट बनाए, 3 पार्ट बनाए, 1 ओवर 3 ये बन गया,
3 इसके साथ शामिल था 3 कंपाउंड 1 ओवर 3 भी लिख सकते हैं और 10 ओवर 3 भी लिख सकते हैं इसको 10 ओवर 3 ठीक है जी अब नेक्स्ट है माइनस 15 ओवर 2 अब इसका रिजल्ट माइनस की साइड पे आएगा किस साइड पे आएगा क्योंकि इंटीजर्स की बात की थी कि मैंने कहा दो इंटीजर्स डिवाइड इंटीजर दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है और अगर एक इंटीजर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपके पास आंसर नेगेटिव साइड में आएगा हमने इसको चेंज किया किसमें चेंज किया कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज किया क्या रिजल्ट है माइनस 7 कंपाउंड 1 ओवर 2 पहले माइनस की साइड पे आएंगे माइनस 7 माइनस 7 के कितने पार्ट कर लेंगे दो पार्ट कर लेंगे 1 एंड 2 हाफ में ले आएंगे ये क्या बन जाएगा माइनस 15 ओवर 2 हमारे पास इस जगह पे आंसर आ जाएगा 15 ओवर 2 इसी तरह इसका पार्ट 4 है पार्ट 5 है दोनों जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है पहले इसको जो है कंपाउंड में चेंज करते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि बहुत आसानी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकें जिस पे नंबर लाइन पे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं सिंपलीफाई द फॉलोइंग अच्छा याद रखिएगा रैशनल नंबर में जो कॉमन फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हो कॉमन फ्रैक्शंस आपस में सबट्रैक्ट हो रही प्रीवियस हमने क्लास में LCM और HCF दो चीजें स्टडी की थी यहां पे जब कॉमन फ्रैक्शन की एडिशन और सबट्रैक्शन की कंडीशंस आती हैं तो जब भी कॉमन फ्रैक्शन ऐड या सबट्रैक्ट हो सबसे पहला काम LCM कैलकुलेट किया जाता है ये बात प्रीवियस उसमें भी बताई थी और LCM का जो है प्रैक्टिकली यूज यहां पे हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है यहां पे ये बात अपने साथ अपने पल्लू के साथ बांधने पक्की कर ली है बात कि जब कॉमन फ्रैक्शंस आपस में ऐड होंगी कि कॉमन फ्रैक्शन आपस में सबट्रैक्ट होंगी तो हम क्या करेंगे LCM कैलकुलेट करेंगे अब LCM कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉमन फ्रैक्शंस के एडिशन के अंदर या सबट्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर्स का LCM कैलकुलेट किया जाता है स्टेप मैं चलूंगा आप गौर कीजिएगा डिनोमिनेटर थे 4 एंड 6 दोनों का LCM ले लिया रफ साइड पे 4 एंड 6 दोनों अगर किसी कॉमन टेबल में आते हैं तो यूज कर लेते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अब 2 as it is और 3 as it is ये जो साइड की वैल्यूज हैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या क्या रहेगा LCM क्या रहेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 20 पहला दोबारा रिकॉल्स कर लेता हूं जब भी कॉमन फ्रैक्शन ऐड होगी कॉमन फ्रैक्शन सबट्रैक्ट होगी हम LCM लेंगे LCM डिनोमिनेटर्स का कैलकुलेट किया जाएगा और अगर कोशिश करें तो डिवीजन मेथड से LCM कैलकुलेट करें ज्यादा बेहतर है LCM कैलकुलेट कर लिया अब देखेंगे कितनी हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है एक है दो है तीन है अगर दो कॉमन फ्रैक्शन है तो दो डिवाइड बॉक्स बनाएंगे दोनों के अंदर क्या लिखते हैं LCM ठीक है अब बारी बारी दोनों के डिनोमिनेटर्स को यूज करेंगे 4 एंड 6 पहले पहली कॉमन फ्रैक्शन को लेते हैं पहली कॉमन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है 4 3 जा पहली ही कॉमन फ्रैक्शन सॉल्व होगा तो ये जो रिजल्ट आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9 दोबारा रिवाइज करते हैं LCM कैलकुलेट करेंगे LCM डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा दोनों वैल्यूज के दो डिवाइड बॉक्स बनाएंगे दोनों में एलसीएम लिख देंगे अगर दो कॉमन फ्रैक्शन चाहे रहे हो या सबट्रैक्ट हो रहे पहली कॉमन फ्रैक्शन पहला जो है पहली कॉमन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यूज करेंगे पहले 4 3 जा 12 3 आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 हमारे पास आंसर आ गया पहली कॉमन फ्रैक्शन सॉल्व हो गई अब दूसरी कॉमन फ्रैक्शन की बारी है दूसरी कॉमन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 6 पहले डिनोमिनेटर यूज होगा 6 2 जा पर जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट लिख देंगे 9 को 22 ऐड कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 31 ओवर 5 यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया क्या बन गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं ये आपकी असाइनमेंट है क्या असाइनमेंट है कि आपने इसके आंसर को कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना पार्ट 2 किया पार्ट 2 में कितनी कॉमन फ्रैक्शंस आपस में ऐड होंगी मैंने आपको पहले बताया कॉमन फ्रैक्शंस ऐड होंगी या सबट्रैक्ट होंगी
तो क्या हम एक्टिविटी करेंगे, एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, एलसीएम की कैलकुलेशन का स्टेप होगा। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट होगा। डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास, 22, 8 एंड 4, ये तीन डिनोमिनेटर्स। अब ये तीनों किसी एक कॉमन टेबल में वैल्यूज डिवाइड होती है। 2 के टेबल में 2 11s आर, 2 4s आर, 2 2s आर। 2 का टेबल जब तक यूज हो रहा है इसको कॉमनली यूज करते हैं। टेक्निक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 1s आर 11, इटसेल्फ प्राइम नंबर अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 11s आर 88। क्या एलसीएम आ गया हमारे पास, 88 एलसीएम। पहला स्टेप तो ये। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कितने डिवाइड बॉक्स बनेंगे। तीन कॉमन फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं या सबट्रैक्ट हो रही हैं कॉमन फ्रैक्शन, तो हम देखेंगे जितनी तादाद अपने डिवाइड बॉक्स बनाने के आसानी के लिए पहले, और उन सब में क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे। 22 रफ वर्क में ये काम करेंगे। ठीक है जी, मेरे पास बोर्ड पे ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं है तो मैं यहीं पे साथ साथ करता जा रहा हूं। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या है, 88। सबसे पहले पहली कॉमन फ्रैक्शन 22 फोर जा 88। पहले कॉमन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके 5 फोर जा 20 प्लस। अब सेकंड फ्रैक्शन की बात, सेकंड फ्रैक्शन का पहले डिनोमिनेटर 8 11 सा 88, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 3 सा 33, साइन प्लस का लगेगा। नेक्स्ट क्या है, 4 किसकी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पहले यूज करेंगे, 4 22 सा 88, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 सा 18 पोज 1 के 9 2 सा 18 1 में ऐड करेंगे 19 198। अब इन तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे न्यूमरेटर की, हमारे पास कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। 8 में पहले यूनिट वैल्यूज को ऐड करेंगे, फिर डेसिमल प्लेस वैल्यू को, फिर इसी तरह 100 प्लेस वैल्यू को। 8 में 3 ऐड करेंगे, 11 में 0 ऐड करेंगे, 11 1 पोज 1 कैरी, 9 में 1 ऐड करेंगे, 10 10 में 3 ऐड करेंगे, 13 13 में 2 ऐड करेंगे, 15 5 1 कैरी, 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 2 251 ओवर 88 हमारे पास आंसर आ गया। ये भी इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये भी आपके पास फर्दर होम असाइनमेंट है। पार्ट 3 सबट्रैक्शन का है, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी मेथड पे आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्या है कि सबट्रैक्ट की जाएंगे वैल्यू। पार्ट 4 में आपको कराता हूं, पार्ट 4 में हमारे पास जो है कौन सी फ्रैक्शन मौजूद है, कंपाउंड फ्रैक्शन मौजूद है। याद रखिएगा कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन की मौजूदगी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उस वक्त तक सॉल्व नहीं होता जब तक कि आप कंपाउंड फ्रैक्शन को खत्म नहीं करते। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, फिर आगे काम शुरू करेंगे। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 100, 100 में 3 ऐड करेंगे 103। ये सारा का सारा प्रोसेस हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, कोई नई चीज हमारे पास इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, दो कॉमन फ्रैक्शन है, मैंने आपको बताया कॉमन फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हो या सबट्रैक्ट हो रही हो, हम क्या करते हैं एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम किसका होगा, डिनोमिनेटर का होगा। डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं 15 है 25 है, दोनों कॉमनली किस टेबल में आती है, 5 के टेबल में। 5 3 = 15, 5 5 = 25। अभी तक 5 के टेबल यूज करेंगे, 3 एज इट इज, 5 1 था 5, 3 1 था 3। इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। 5 5 था 25, 25 3 था 75। 15 और 25 डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट किया जाता है, 15 और 25 का एलसीएम क्या आ गया, 75। अब फर्दर क्या सॉल्यूशन करेंगे, दो
कॉमन फ्रैक्शन सब्जेक्ट हो रही है तो दो डिवाइड बॉक्स बनेंगे, दोनों के अंदर एलसीएम होगा। पहले पहले कॉमन फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 15 5 75, जो आंसर है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 55। साइन माइनस का 25 3 75, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 9 3 0 0 3 1 3, क्या आंसर आ जाएगा 309। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, दो कॉमन फ्रैक्शन है, आप देखेंगे ये आपस में ऐड हो गई थी, सब्ट्रैक्ट हो गई थी, हमने एलसीएम कैलकुलेट किया, उसके बाद फर्दर इसका प्रोसेस किया। अब ये जो ऊपर वैल्यूज हैं, एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, साइन डिफरेंट होते हैं, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है और साइन बड़ी वैल्यू का दे, तवज्जो रखिएगा इसके ऊपर, -309 हर वैल्यू से पहले उसका साइन मौजूद होता है, 55 के साथ प्लस का साइन है, प्लस 55, साइन डिफरेंट है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 4, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता 1 बराबर हो जाएगा, 10 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 5, और ये नंबर बचेगा 2, -254/75 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको भी आपने कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रोसेस हमने प्रीवियस दो क्लासों में बहुत ही तफसील के साथ स्टडी किया है। दोबारा इसको रिकॉल कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को इसी मेथड के ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, कंपाउंड फ्रैक्शन की मौजूदगी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता जब तक आप कंपाउंड फ्रैक्शन को खत्म नहीं करते। पहले स्टेप में कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म की, उसके बाद दूसरे स्टेप में एलसीएम कैलकुलेट किया, क्योंकि कॉमन फ्रैक्शन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद एलसीएम को दो कॉमन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही थी, दो डिवाइड बॉक्स बनाए, दोनों में एलसीएम को लिखा, पहले पहले फ्रैक्शन को सॉल्व किया, फिर उसके डिनोमिनेटर को 15 5 75 जो रिजल्ट है 11 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह फिर सेकंड फ्रैक्शन के 25 3 75 3 को 103 से मल्टीप्लाई किया 309। अब यहाँ पे हमने एनालाइज करना है, वैल्यूज आपस में ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, अगर साइन सेम होंगे तो वैल्यूज ऐड होगी, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होगी और साइन बड़ी वैल्यू आएगा। 309 के साथ माइनस का साइन है, 55 के साथ कोई साइन नहीं था, एक्सट्रीम प्लस का साइन है, हर वैल्यू से पहले उसका साइन मौजूद होता है। 309 में से 55 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया -254, -254 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, इस डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में थी, इसको इसमें चेंज करेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन में, जो आपके पास एज अ होमवर्क। इसी के साथ आज की एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।